आइसोट्रॉपिक रेडिएटर, देखिए जो आइसोट्रॉपिक रेडिएटर होता है ये एक ऐसा रेडिएटर होता है जिसमें जो रेडिएट करता है यूनिफॉर्मली, सारे डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली रेडिएट करता है। इसको आइसोट्रॉपिक सोर्स या फिर ओमनी डायरेक्शनल रेडिएटर या फिर सिंपली यूनिपोलर भी कह सकते हैं। जो आइसोट्रॉपिक रेडिएटर होता है ये हाइपोथेटिकल लॉसलेस रेडिएटर होता है या फिर कहें एंटीना होता है, जिसमें जो रेडिएट करता है, जो एंटीना होता है ये क्या करता है, प्रैक्टिकली एक रेडिएटर होता है या फिर एंटीना होता है। आइसोट्रॉपिक एंटीना या फिर कहें आइसोट्रॉपिक रेडिएटर, ये एक रेफरेंस एंटीना की तरह यूज किया जाता है। देखिए जो हाफ वेव डाइपोल एंटीना होता है उसका यूज भी एक रेफरेंस एंटीना की तरह किया जाता है, लेकिन आजकल आइसोट्रॉपिक एंटीना का यूज रेफरेंस एंटीना की तरह यूज करने में से प्रेफर किया जाता है। इसमें क्या होगा कि जब हम देखते हैं कि जो सारे प्रैक्टिकल एंटीना होते हैं उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टिविटी होती है, और जो आइसोट्रॉपिक रेडिएटर होता है वो क्या होता है, वो सिचुएटेड होता है सेंटर में, एक स्फेयर, स्फेयर जिसका रेडियस आर होगा उसके सेंटर में लगा होता है। जो एनर्जी होती है, पूरी एनर्जी या पावर होती है रेडिएटेड, जो रेडिएट होती है इससे, वो क्या होती है, पास होती है सरफेस एरिया से या फिर कहें स्फेयर से। तो एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अलावा जो पोलेंटिंग वेक्टर होते हैं या फिर कहें पावर डेंसिटी होती है पी, वो क्या होती है, किसी भी पॉइंट पे, स्फेयर के किसी भी पॉइंट पे जो पावर रेडिएट होती है वो पर यूनिट एरिया में होगी, किसी भी डायरेक्शन में। जो रेडिएटेड पावर होती है आइसोट्रॉपिक सोर्स से वो करती है, फ्लो करती है अपनी रेडियल लाइन में। जो आइसोट्रॉपिक रेडियल होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है या फिर पॉइंटिंग वेक्टर कहें या पावर डेंसिटी पी कहें, वो क्या होगा, वो जो रेडियल कंपोनेंट होते हैं पी थीटा इज इक्वल टू पी फाइव के होता है और ये इज इक्वल टू 0 के होता है, और जो मैग्नीट्यूड होता है पी का वो इज इक्वल टू पी आर के होगा। अगर हम पोलेंटिंग वेक्टर जो होते हैं उसे हम सारे पॉइंट्स पे, स्फीयर पे, स्फीयर जिसका रेडियस आर होगा पर्टिकुलर पॉइंट से, सोर्स से लॉसलेस मीडियम में, उसमें जो टोटल पावर होगी उसको हम डब्ल्यू आर से बोलेंगे, टोटल पावर डब्ल्यू आर जो रेडिएट होती है सोर्स से वो क्या होगी, इंटीग्रल होगी ओवर द सरफेस स्फेयर के। तो जो रेडियल कंपोनेंट है वो क्या होंगे, पी आर जो एवरेज पोलेंटिंग वेक्टर होगा। तो डब्ल्यू आर को हम शो करेंगे इंटीग्रल पी डॉट डी एस के, ठीक है। तो ऐसे लिख सकेंगे डब्ल्यू टी इंटीग्रल पी आर डॉट डी एस, पी आर बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ डी एस ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ डी एस जो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा जो कि एरिया ऑफ सरफेस होगा। तो डब्ल्यू टी किसके इक्वल आ जाएगा, पी आर 4 पाई आर स्क्वायर के। तो पी आर इज इक्वल टू होगा डब्ल्यू टी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर जो कि वॉट पर मीटर स्क्वायर में होगा। अब डब्ल्यू टी क्या है, टोटल पावर रेडिएटेड हो रही है जो कि वॉट्स में होगी। अब पी आर क्या है, पी आर रेडियल कंपोनेंट होंगे एवरेज पावर डेंसिटी पॉलेंटिंग वेक्टर के जो कि वॉट पर मीटर स्क्वायर में होगा। और डी एस, डी एस जो होगा भी इनफाइनाइट सिमल एलिमेंट होगा, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेडियस जो कि आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई के है, इक्वल रहेगा। और आर स्मॉल आर जो कि रेडियस ऑफ स्फेयर होगा ये मीटर्स में होगा। तो ये आइसोट्रॉपिक रेडिएटर को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।